फ्रीक्वेंसी नंबर मैनर पांचों हो गए ना। हाँ, तो अगला है सेकंड लास्ट है एडवर्ब ऑफ रीजन। ये तो आसान है। एडवर्ब ऑफ रीजन, वो एडवर्ब जो किसी काम के होने का कारण बताए। गुड इवनिंग सर। वो एडवर्ब जो किसी काम के होने का कारण बताए, बेसिकली कारण क्या होता है जो वाई का आंसर दे। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट होता नहीं, हम इसको ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। बिकॉज वगैरह जिसने भी पढ़े ना, बिकॉज सो फॉर एज सिंस, ये सब उसमें पढ़ चुके हैं हम। हैंस आई डिड नॉट गो, इसीलिए मैं नहीं गया। अब हैंस कारण बता रहा है। हालांकि क्या होता है, ये अपने आप में एक अधूरा होता है। अधूरा क्यों होता है, क्योंकि मैंने किस चीज के लिए कारण बताया वो तो मैंने बताया नहीं। हाँ, मैं ये कह दूं आई वॉज इल, हैंस आई डिड नॉट गो, मैं बीमार था इसीलिए मैं नहीं गया। एडवर्ब ऑफ टाइम हुआ था, व्हाट टाइम वाला, सेकेंड नंबर पे वही करवाया था मैंने, वैन वाला, वैन का जो आंसर देता है। आई वॉज इल, आई डिड नॉट गो, मेरे ना जाने का कारण क्या है, ये सारा का सारा कहाँ गया, ये रहा, ये पूरा का पूरा एडवर्ब ऑफ रीजन है। ये अपने आप में कभी कंप्लीट नहीं होता, इनकम्प्लीट होता है ना। बफरिंग तो नहीं हो रही, सही चल रहा है। ये अपने आप में कभी पूरा नहीं, सॉरी, एडवर्ब ऑफ रीजन अपने आप में कभी पूरा नहीं होता, अपने आप में हमेशा अधूरा होता है। ठीक है, जब तक आप उसके साथ एक और क्लोज ना लगाओ, सीधी सी बात है, जब तक आप एक प्रिंसिपल क्लोज ना लगाओ। ठीक है, तो इसके बारे में पढ़ने के लिए हमारे पास ऐसा कुछ खास नहीं है, ये नोट कर लो, हमारे पास इससे ज़्यादा इसके बारे में पढ़ने के लिए कुछ नहीं है। नोट कर लीजिए। डन। आज बेसिकली आपका लास्ट टॉपिक की ना लास्ट क्लास है, ये भी खत्म हो जाएगा आज। इसके अलावा क्लास में कोई टॉपिक नहीं पढ़ाया गया हो जो रहता हो, वो जरूर बता देना मुझे। पर्सनल टॉपिक मत बताना कि सर मेरा ये रह गया, मैं एब्सेंट था, ये था, वो था, जो आप पूरी क्लास में मैंने ना करवाया हो ना, वो टॉपिक बता देना। और लास्ट है इसमें हमारा कौन सा बाकी है, शिवांगी जी कमेंट कीजिए। क्वेश्चन टैग में मैंने एक दिन बीच में क्वेश्चन टैग आधे एक घंटे का ना बताया था, एडवर्ब ऑफ अफिर्मेशन एंड नेगेशन। मोडल्स जब कराए थे ना, तो मैंने क्वेश्चन टैग का एक पार्ट कराया था ना। नहीं कराएंगे आज, लास्ट क्लास रखेंगे। बहुत सारे बच्चों को तकलीफ हो रही है, क्लास बहुत दिनों से चल रही है ना, आज लास्ट क्लास रखेंगे। मेरे पास आदेश आए हैं बच्चों के, जल्दी क्लास खत्म कर, क्या मजाक बना रखा है तूने वाले। अफर्मेशन यस और नेगेशन नो, वो जो किसी वर्ब के होने की हाँ या ना करें। जैसे मैं ये कहूँ डिड यू,
Did you do practice? क्या आपने प्रैक्टिस की थी? आप कहो यस या आप कहो नो, ये दोनों के दोनों एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन है. यस है तो हाँ करने की प्रैक्टिस, ना है तो ना करने की प्रैक्टिस. ठीक है, या फिर आप ये भी कह सकते हो श्योरली, सर्टेनली, नेवर, नॉट, इनका भी यूज कर लेते हैं हम लोग. तो ये जो वर्ड्स हैं जो अब किसी वर्ब के होने की या ना होने की, हाँ या ना करते हैं, उन्हें एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन और नेगेशन कहा जाता है. ठीक है, तो किसी भी एडवर्ब के सात टाइप होते, तीन टाइप होते हैं, सिंपल एडवर्ब, इंटरोगेटिव एडवर्ब, रिलेटिव एडवर्ब. सिंपल एडवर्ब के सात टाइप होते हैं, एडवर्ब ऑफ प्लेस जो वेयर का आंसर दे, एडवर्ब ऑफ टाइम जो वैन का आंसर दे, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी जो हाउ मैनी का, हाउ ओफन का आंसर दे, कितनी बार, एडवर्ब ऑफ क्या बोलते हैं उसे, एडवर्ब ऑफ मैनर जो हाउ का आंसर दे, एडवर्ब ऑफ रीजन जो वाई का आंसर दे, और एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड नेगेशन इसमें हाँ या ना करने वाले वर्ड होते हैं. जिन जिन वर्ड्स के आंसर आप निकाल रहे हो, सारे के सारे वर्ड्स इंटरोगेटिव भी कहलाते हैं, रिलेटिव भी कहलाते हैं. ठीक है, अब हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट चीज है वो आती है इन्वर्जन ऑफ वर्ब. इन्वर्जन ऑफ वर्ब, सबसे पहले तो ये होता क्या है, दूसरा क्यों होता है, और तीसरा कैसे होता है. क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, इसका आंसर इस टॉपिक को खत्म कर देगा. तो सबसे पहले हम सीखेंगे क्या होता है इन्वर्जन ऑफ वर्ब. इन्वर्जन जो वर्ड होता है ना, इसका मतलब होता है पलटना. ये वर्ड बनता है इन्वर्टर, इन्वर्ट, पलटना. इन्वर्ट से बनता है इन्वर्टर. इन्वर्टर क्या करता है, एसी को डीसी में स्टोर करता है और डीसी को एसी में करके आपके पास भेज देता है. ठीक है, तो इन्वर्ट से बना इन्वर्टर और इन्वर्ट से बना इन्वर्जन, पलटना. अब इसमें पलटना क्या है, हम तो सारे के सारे सेंटेंस पढ़ रहे हैं, तो हम क्या पलटेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस पलट देंगे. स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस इज टू बी इन्वर्टेड, सेंटेंस के स्ट्रक्चर को इन्वर्ट करना है. ये नोट कर लीजिए, अब स्ट्रक्चर को कैसे पलटना है वो ध्यान देना. कैसे पलट, जैसे हम किसी भी सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखते हैं तो दो स्ट्रक्चर होते हैं, सब्जेक्ट आता है, मेन वर्ब आती है, ऑब्जेक्ट आ जाता है, या फिर सब्जेक्ट आता है, हेल्पिंग वर्ब आती है और फिर मेन वर्ब आती है और फिर ऑब्जेक्ट आ जाता है. इनको पलटने के दो तरीके होते हैं, उन्हीं दो तरीकों पे दो इन्वर्जन के टाइप हो जाएंगे. क्या होता है इन्वर्जन में, क्या होगा, व्हेन इन्वर्जन ऑफ वर्ब, व्हेन वर्ब इज कैप्ट बिफोर सब्जेक्ट, जब वर्ब को सब्जेक्ट से पहले रखा जाए उसी को इन्वर्जन कहते हैं. हाँ, बफर इसलिए कर रहा है ना, वो टेलीग्राम पे मैसेज आ रहे हैं, टेलीग्राम पे या पता नहीं व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहे हैं, तो फ़ोन पे लाइव होने की प्रॉब्लम ये है कि जैसे ही मैसेज आएगा तो नेटवर्क थोड़ा सा वहाँ पे चला जाएगा, तो इधर कमज़ोर हो जाएगा. ये प्रॉब्लम मैं भी फेस कर रहा हूँ. तो बेसिकली हो सकता है संडे को मैं कोई कैमरा लेके आऊँ जाके. ठीक है, तो
क्या हो जाएगा, इस स्ट्रक्चर को अगर मैं ये कर दूं, मेन वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट कर दूं, तो ये जो काम किया इसको इन्वर्जन कहा जाएगा। अगर इसमें से इधर से मैं कर दूं हेल्पिंग वर्ब भी बाहर ले आऊं, मेन वर्ब भी बाहर ले आऊं, सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट कर दूं, जब सब्जेक्ट से पहले किसी भी मेन वर्ब को रखा जाता है, उस मेन वर्ब के साथ अगर हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब भी उठ के बाहर आ जाती है, अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो हेल्पिंग वर्ब उठ के बाहर नहीं आती, ठीक है। तो इसी चीज को इन्वर्जन ऑफ वर्ब कहते हैं। आपने बहुत सारे सेंटेंस ऐसे देखे होंगे, जब आपने कंजंक्शन पढ़ा था तो मैंने हार्डली स्कार्सली वाला जो पोर्शन था ना उसमें ये वाली बात कराई थी। अगर हम कोई सेंटेंस ऐसे लिखते हैं, क्या लिखते हैं देखो ध्यान से, हार्डली हैड ही अराइव्ड एट होम व्हेन ही वेंट बैक, जब वो वापस चला गया मुश्किल से। अब ये देखो मैंने क्या किया है, हार्डली से सेंटेंस को स्टार्ट किया कि वो मुश्किल से घर ही आया था, और सब्जेक्ट से पहले रख दिया हेल्पिंग वर्ब को, पहला तरीका। दूसरा तरीका, ऑन द टॉप ऑफ द हिल इज सिटिंग अ सेंट। अब यहां पे मैंने क्या किया, ऑन द टॉप ऑफ द हिल एक सेंट बैठा है, तो सेंट है सब्जेक्ट। इस सब्जेक्ट से पहले पूरी की पूरी हेल्पिंग वर्ब भी रख दी और मेन वर्ब भी रख दी। मैंने दो काम कर दिए, पहले एक ही काम को लेकर चलते हैं। एक काम करते हैं, इसको छोड़ दो, मैं दोबारा लिख कर चलता हूं। जब सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट हो तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों उठ के बाहर आ जाएंगी, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। तो मैंने सेंटेंस क्या लिखा, ऑन द टॉप ऑफ द हिल इज सिटिंग अ सेंट। हिल के टॉप पर एक सेंट बैठा है, ठीक है। कहां बैठा है, हिल के टॉप पर बैठा है। तो इसको पूरे को देखोगे तो एक क्या निकलेगा आपका, एडवर्ब ऑफ प्लेस निकलेगा, और ये आपकी पूरी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का कॉम्बिनेशन हो गया, और ये आपका सब्जेक्ट हो गया। तो जब हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब या पूरी की पूरी मेन वर्ब को भी रखा जाएगा, अगर हेल्पिंग वर्ब के साथ है तो हेल्पिंग वर्ब के साथ उठा लाते हैं, अगर नहीं है सिर्फ मेन वर्ब है तो सिर्फ मेन वर्ब के साथ उठा लाते हैं, ठीक है। इसी चीज को, इस चीज को इन्वर्जन ऑफ वर्ब कहते हैं, और डेफिनेशन ये लिखी, व्हेन वर्ब इज केप्ट बिफोर अ सब्जेक्ट, जब वर्ब को सब्जेक्ट से पहले रखा जाता है। तो क्या होता है का आंसर आपको ये मिल गया कि इन्वर्जन क्या होता है, जब वर्ब को उठाकर सब्जेक्ट से पहले रख देते हैं, ठीक है। इतना नोट कर लो, इतने में किसी को प्रॉब्लम हो तो पूछ लो। पांच ही लोग देख रहे हैं आज क्लास को, बाकी लोग कहाँ हैं? PQRS वाला टॉपिक रहता है। अच्छा, PQRS वाला टॉपिक नहीं है बच्चे, PQRS वाला तो लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग है। अगर आप न्यूज़पेपर रेगुलर पढ़ रहे हो ना तो करना इजी हो जाता है। मैं कराऊंगा तो एक क्लास में मैं भी 25-30 PQRS वाले सेंटेंस करा दूंगा, उसके बाद मैं भी कह दूंगा कंप्लीट हो गए, क्योंकि कितने करवाए जा सकते हैं, ये चीज़ तो अनलिमिटेड है ना। नोट कर लिया, अब क्यों होता है का रीजन देख लो, क्यों होता है, टू एम्फेसाइज दी सेंटेंस। टू एम्फेसाइज,
प्रेशर बनाने के लिए नॉर्मल सेंस में कह सकते थे, लेकिन हम थोड़ा सा प्रेशर बनाना चाहते हैं इसलिए हम इस तरीके से। अब कैसे होता है इसका? पूरे संसार में एक ही रीजन है, व्हेन अ सेंटेंस स्टार्ट्स विद एन एडवर्ब, इन्वर्जन ऑफ वर्ब, टेक्स प्लेस। व्हेन अ सेंटेंस स्टार्ट्स विद एन एडवर्ब, अभी तो शुरू किया है बच्चे, अभी तो खत्म कहां कर दिया मैंने, अब तो आखिरी सारी चीजें यही लेगा चैप्टर। अपना बचा हुआ टाइम यही पोर्शन खा जाएगा इन्वर्जन, ठीक है। व्हेन ए सेंटेंस स्टार्ट्स विद एन एडवर्ब, इन्वर्जन ऑफ वर्ब टेक्स प्लेस। वैसे कभी नहीं होता, जब इन्वर्जन तभी पॉसिबल होता है जब किसी सेंटेंस को कोई एडवर्ब स्टार्ट करता है। यहां पे ऑन द टॉप ऑफ द हिल एडवर्ब ऑफ प्लेस था, ठीक है, नोट कर लिया। नाउ सी टू टाइप्स ऑफ इन्वर्जन, दो तरीके का इन्वर्जन होता है क्या? नो, दो तरीके का इन्वर्जन होता है। सबसे पहला, व्हेन मेन वर्ब कम्स बिफोर सब्जेक्ट, जब मेन वर्ब सब्जेक्ट से पहले आ जाती है। अरे शिवांगी मैं भूल जाता हूं, एक्चुअल में क्या हो रहा है कि आप तक मेरी बात पहुंचने में, आप तक ये वीडियो डिलीवर होने में ना 20 सेकंड का डिले है, तो 20 सेकंड का वो डिले है ना मेरे माइंड से उतर जाता है। व्हेन मेन वर्ब कम्स बिफोर सब्जेक्ट, जैसे अंडर द टेबल kept Anuj your money, अनुज ने आपके रुपए टेबल के नीचे रखे हैं। अंडर द टेबल की जगह और कुछ कर लो, कर लो इन अ बैंक लॉकर, अनुज kept your money, एक बैंक लॉकर में अनुज ने आपके रुपए रखे हैं, ठीक है। अब ये देखना, ये क्या है, वेयर का आंसर है, ये है एडवर्ब ऑफ प्लेस और ये है मेन वर्ब सेकंड फॉर्म और ये है सब्जेक्ट रखने वाला, तो इसी को इन्वर्जन का वो पार्ट कहते हैं जिसमें व्हेन मेन वर्ब कम्स बिफोर सब्जेक्ट। दूसरा तरीका देख लो, पहले जो सेंटेंस लिखा था ऑन द टॉप ऑफ द हिल It's sitting a saint. On the top of the hill, it's sitting a saint. On the top of the hill, why adverb of place? और ये आपका पूरा helping verb और main verb वाला concept, और ये आपका subject. हाँ, अंडर द टेबल का मतलब घुस लेना होता है, लेकिन मैं घुस लेने की बात नहीं कर रहा है यहाँ पे,
मैं लिटरली रखने की बात कर रहा हूँ। तो इन दोनों ही तरीके के सेंटेंस में देखना, जब मैंने सेंटेंस को एडवर्ब ऑफ प्लेस से स्टार्ट किया तो क्या हुआ, अगर मेन वर्ब अकेली थी तो मेन वर्ब पूरी बाहर आ गई, अगर हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का कॉम्बिनेशन था तो ये पूरा का पूरा बाहर आ गया, सब्जेक्ट बाद में आया। इसी चीज को इंग्लिश में कहा जाता है फुल इनवर्जन ऑफ वर्ब। इसी चीज को फुल इन्वर्जन ऑफ वर्ब कहा जाता है और ये सिर्फ एक ही केस में पॉसिबल है और वो केस यही है, इट हैपन्स व्हेन एनी एडवर्ब ऑफ प्लेस स्टार्ट्स एनी सेंटेंस। जब एडवर्ब ऑफ प्लेस किसी सेंटेंस को स्टार्ट करता है फुल इन्वर्जन तभी पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं होता। ये नोट करो आराम से, मुझे बताओ। डन। एक शिवांगी नोट कर रही है, बाकी लोग नोट नहीं कर रहे आज, क्या हुआ आज तुम लोगों को, सारे बड़े उदास से लग रहे हो। सब ठीक ठाक तो है? इसमें एरर नहीं आएगी अभिजीत, इसमें नहीं आएगी, अब जिसमें एरर आएगी वो बताऊंगा। अब है वो पार्ट एडवर्ब का जिसमें एरर ज्यादा आती है, ठीक है, और सेकंड एंड इंपॉर्टेंट पार्ट व्हेन ओनली हेल्पिंग वर्ब कम्स बिफोर सब्जेक्ट, और इसी चीज को, यही चीज इंपॉर्टेंट भी है, इंपॉर्टेंट सॉरी, और इसी चीज को कहा जाता है हाफ इन वर्जन। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देख ले, लोग इंग्लिश पढ़ पढ़ के परेशान हो गए ना शिवांगी, बेचारे 15 मई से पढ़ रहे हैं, आज आखिरी दिन है ना। जैसे देखो एग्जाम्पल, नो सूनर डिड ही बाय अ न्यू बाइक देन समबडी स्टोल इट। जैसे उसने कोई नई बाइक खरीदी वो चोरी हो गई, यानी कि खरीदे हुए भी बहुत दिन नहीं हुए थे। नो सूनर से सेंटेंस स्टार्ट हुआ तो ये हेल्पिंग वर्ब पहले आ गई, ये सब्जेक्ट आ गया और ये मेन वर्ब बाद में आई, तो इसी चीज को हाफ इन्वर्जन कहते हैं। जब कोर्स खत्म हो जाएगा तो क्या लेंगे, अंडर नो सरकमस्टांसेस कैन आई लैंड यू एनी मनी, किसी भी परिस्थिति में मैं आपको और पैसे उधार नहीं दे सकता। तो जैसे ही इससे सेंटेंस स्टार्ट हुआ तो ये हेल्पिंग वर्ब आ गई और ये मेन वर्ब रही,
इन चीजों को हाफ इन्वर्जन कहा जाता है, इसी चीज को हाफ इन्वर्जन कहा जाता है जब सिर्फ हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले उठ के आ जाती है, और यही हमारे एग्जाम में एरर का कारण बनता है। तो इसके दो तीन रीजन हैं, वो लिख लीजिए। When any sentence starts with no sooner, hardly, scarcely, rarely, not only, not only, any expression that has no, हर वो एक्सप्रेशन जिसमें नो लगा हुआ हो, हर वो एक्सप्रेशन जिसमें नो लगा हुआ हो, वो सारे के सारे एक्सप्रेशन। हाँ जी, नोट कर लिया शिवांगी? शिवांगी जी नोट कर लिया? मैंने ये क्या कहा, आज आखिरी क्लास है तुम्हारा, तुम तो खुशियां तुम्हारे चेहरे से गायब ही हो गई। इसमें कौन कौन से एनी एक्सप्रेशन दैट, एक तो ये हो गया अंडर नो सर्कमस्टांसेस, ऐसा कोई भी एक्सप्रेशन हो सकता है जैसे एट नो टाइम हो जाए, एट नो टाइम, और क्या कहते हैं उसे, इन नो वे, ऑन नो अकाउंट, ऑन नो कंडीशन, ये सारे के सारे। अभिजीत जी जैसे मैं ये कहूँ, ओनली बाय वर्किंग हार्ड कैन यू पास द एग्जाम, तो यहाँ क्या है, ओनली प्लस फ्रेज, ओनली प्लस फ्रेज, अगर किसी सेंटेंस, कौन सा फ्रेज, एडवर्बियल फ्रेज होता है तो हाफ इन्वर्जन होता है, ओनली प्लस एडवर्बियल फ्रेज,
फीलिंग वेरी बैड. क्यों वेरी बैड? क्लास खत्म हो रही है, मैं थोड़ी मर रहा हूँ. ऑनली प्लस एडवर्बियल फ्रेज. और क्लास खत्म होने का मतलब ये थोड़ी कि दोबारा नहीं हो सकती. जब बहुत सारे लोगों को डाउट्स होंगे तो दोबारा भी ले लेंगे. ऐलान थोड़ी किया है कि कभी क्लास होगी ही नहीं. ये कहूँगा कोर्स खत्म हो गया. तो ये होता है हाफ इन्वर्जन करता है ये. और हाफ इन्वर्जन पे ज़्यादा ध्यान देना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, सेल्डम, नेवर, सो प्लस एडवर्ब ऑफ मैनर, फाइनली राम शिवांगी सच्ची मुच्ची बेवकूफ हो तुम. मैं ये कहूंगा कोर्स खत्म हुआ है, ग्रामेटिकल कोर्स खत्म हुआ है. क्लासेस खत्म होने का मतलब नहीं है, ग्रामेटिकल कोर्स खत्म हुआ है. और मैं तो ये कहता था कि मैं जब तक एग्जाम होगा तब तक पढ़ाऊंगा, लेकिन बच्चे क्या कहते हैं कि मई में कोर्स स्टार्ट हुआ था, अब तक चल रहा है, पूरा भी नहीं करवा रहे हैं. तो उन बच्चों की भी तो सुननी पड़ेगी. बच्चे सिर्फ मेरी मर्जी से थोड़ी ना क्लास चल पाएगी, पैसे आप लोगों ने दे रखे हैं, उनको रिवीजन का भी टाइम चाहिए. आप आराम से रिवीजन कर सकते हैं. इन सब के एग्जांपल्स देखेंगे हम. रब करूं रब करूं रब. चलो एग्जांपल एग्जांपल यहीं पर दे देता हूं. जैसे देखना, मैं ये कह दूं, सो वेल डिड शी डांस्ड इन द पार्टी दैट एवरीबडी प्रेज्ड हर. पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, बताइए कौन से पार्ट में एरर है. यस अभिजीत सर, श्योर. ए पार्ट में एरर है. क्या एरर है? डिड, देखो सो वेल एडवर्ब ऑफ, क्या कहते हैं, सो के साथ एडवर्ब ऑफ मैनर आ गया, ये हो गया हाफ इन्वर्जन. तो इसके साथ ये सेकंड फॉर्म, डिड के साथ सेकंड फॉर्म, ये गलत है. यहाँ पे क्या करना होगा? डांस करना होगा. करो फिर डांस, यहाँ पे डांस करना है. बट सर जो रेगुलर क्लास कर रहे हैं वो तो कभी भी शिकायत नहीं किए, बाकी यू की मर्जी. अरे बहुत सारे लोगों ने शिकायत कर दी. मेरे पास फोन आया था ऑफिस से कि जल्दी कोर्स ख़त्म कराइए इनका. इस सेंटेंस को करेक्ट करिए, प्लीज करेक्ट दिस सेंटेंस.
देखो इसको आप शी रेयरली कर सकते हो या ये भी कर सकते हो, रेयरली डज शी, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। हेलो त्रिगुण कुमार, वेलकम। हाँ ये सेंटेंसेस हैं, करेक्ट करिए। इन नो टाइम, नो से हो गया तो इसको क्या करना पड़ेगा, विल यू। हार्डली शी रीच्ड आ जाएगा। राउंड द कॉर्नर, इसको क्या करना पड़ेगा, वेंट आदित्य। ये है ना एडवर्ब ऑफ प्लेस। हार्डली डज ही स्टार्ट की जगह आ जाएगा स्टार्ट, क्योंकि डज आ गया तो एस आई एस नहीं आएगा। अब ये जो मैंने दो अगले लिखे हैं ये थोड़ा समझने वाले हैं, इनमें क्या है, जब भी अगला पार्ट पिछले पार्ट जैसा हो, जैसे मैंने कहा चुनिया को डांस करना पसंद है मुझे भी, तो अगला पार्ट हमेशा किससे शुरू होता है, या तो सो से शुरू होगा, या नीदर से शुरू होगा, या नोर से शुरू होगा, इन तीन वर्ड से शुरू हो जाएगा। ठीक है, इन नो टाइम, टाइम एडवर्ब ऑफ टाइम, तो इनके बाद हमेशा हाफ इन्वर्जन होता है, सो डू आई, नीदर डू आई, नोर डू आई। तो अगर सो नीदर नोर सेंटेंस के नेक्स्ट हाफ पार्ट को स्टार्ट करते हैं तो नेक्स्ट हाफ पार्ट में हाफ इन्वर्जन होता है। फाइनली I rest my course. मैं अपने कोर्स को आराम देता हूं। I rest my course. Finally, your grammatical topics are done.
एनी डाउट? आज तो लाइटिंग का प्रॉब्लम नहीं है ना, हालांकि वर्किंग के ऊपर वाले कॉर्नर में कुछ ज़्यादा ही लाइट है, उसको कम किया जाए, वर्किंग के ऊपर वाले कॉर्नर की लाइट को देखें कम करके। Adverb is done, guys. अब देखो मैं टॉपिक्स के नाम बोल, सर वुड यू लाइक टू टेल मी अगेन द होल प्रोसीजर डन हियर इन शॉर्ट? नहीं त्रिगुण प्लीज, पूरा प्रोसीजर पिछले 45 मिनट में पढ़ाया है। हाँ अब आपको क्या करना है कि आपको इस वीडियो को दोबारा देखना पड़ेगा भाई। सो गाइज फाइनली आपका लास्ट टॉपिक जो बचा था एडवर्ब, हालांकि आप लोग इसको अगर और अच्छे से देखना चाहते हो, मतलब दोबारा से देखना चाहते हो, तो आप इसका जो फ्री वीडियो भी डला हुआ है यूट्यूब पे, आप वो भी देख सकते हो। ठीक है, सब कोई बात आप लोग करना चाहोगे? कुछ पूछना, कोई बात करना चाहोगे? वैसे 8 लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो क्वेश्चन होने बनते हैं। अब आप क्या कर सकते हैं, आप लोगों के जो पर्सनल टॉपिक्स बचे हैं, मतलब आप कोई एब्सेंट थे, आप वीडियो नहीं देख पाए, लिंक नहीं मिले, समथिंग समथिंग समथिंग, तो आप मुझे मेरे पर्सनल नंबर पे टेलीग्राम या व्हाट्सएप मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, तो मैं आपको उस चीज़ के लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। हाँ अभिजीत आपने कुछ डाउट भेजे थे, बिल्कुल डाउट से याद आया, शिवांगी के भी कुछ डाउट हैं, शिवांगी के भी कुछ डाउट्स हैं, तो पहले आज, अरे हाँ अब तो मैं डाउट्स भी देख सकता हूँ, तो ये कौन से एग्ज़ाम के डाउट आपने भेज दिए? देखो आपका जो पहला क्वेश्चन था अभिजीत जी, विच काइंड ऑफ वर्ब इज द अंडरलाइंड वर्ड, ये हो जाएगा हिज फ्रेंड, मिसअंडरस्टूड ये हो जाएगा इररेगुलर वर्ब, रेगुलर वर्ब, मिसअंडरस्टैंड, मिसअंडरस्टूड, मिसअंडरस्टूड। व्हाट इज द वर्ड मूविंग इन द सेंटेंस, इट इज डेंजरस टू गेट इन टू अ मूविंग ट्रेन, जीरंट नहीं होगा, ये होगा प्रेजेंट, सॉरी पार्टिसिपल, ए ऑप्शन होगा पार्टिसिपल, एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ट्रेन की क्वालिटी कैटेगरी बता रहा है। What is the word go in the sentence? He made him go there. Zero infinitive, इसी को bare infinitive भी कहा जाता है। ये टॉपिक नहीं है शिवांगी जी, ये आपके क्या कहते हैं रेगुलर स्टडीज होती है इनके लिए, इनको मैं ऐसे कोर्स के बीच में तो कभी नहीं करवाया जा सकते ये। इट इज़ टाइम गवर्नमेंट रिविजिटेड, सिक्स का ठीक है, रिविजिटेड। वैन इट स्टॉप्स रेनिंग, सेवन्थ का ठीक है। इफ दे रिपोर्ट इन टाइम दे वुड हैव, इफ दे हैड रिपोर्टेड, ट्वेल्थ भी ठीक है। ही रिफ्यूज टू हियर एनी थिंग,
अगेंस्ट हर, उसके विरोध में सुनने के लिए उसने मना कर दिया. ही रिफ्यूज्ड टू गो टिल ही फिनिश्ड ऑल हिज असाइनमेंट. ही रिफ्यूज्ड टू गो टिल ही फिनिश्ड. ही फिनिशेज नहीं आ सकता, ही फिनिश्ड आएगा. शी रैन एज इफ शी हैड विंग्स. ये कंडीशन है प्रेजेंट इंडेफिनिट की, पहले वाली पास्ट की और दूसरी प्रेजेंट इंडेफिनिट वाली कंडीशन है, सॉरी पास्ट इंडेफिनिट वाली. इफ आई सम मनी आई वुड गो. इफ आई हैव सम मनी हो जाएगा, आई हैड नहीं हो सकता, ये फ्यूचर प्रेजेंट इंडेफिनिट वाली कंडीशन है. आई अश्योर्ड हिम ऑफ माई स्पोर्ट, बिल्कुल ठीक है. तो अभिजीत जी आपके हो गए, अब बची शिवांगी. शिवांगी के ले लिए जाएं. डाउट्स अब ढूंढो शिवांगी के डाउट्स. पहले तो शिवांगी की चैटिंग ढूंढो. शिवांगी जो आपने डाउट्स भेजे थे वो वही थे ना जो मैंने बोर्ड पे पढ़ा रखे थे? शिवांगी आपने जो डाउट्स भेजे थे वो वही थे ना जो मैंने बोर्ड पे पढ़ा रखे थे या और कोई भेजे थे? क्योंकि फोटोज में मुझे वही नजर आए, जो और थे वो मैंने करा दिए थे. एक में मैंने बोला एडजेक्टिव है, आपने कहा वो पोजेसिव एडजेक्टिव, वो वाली बात ठीक है आपकी, पोजेसिव एडजेक्टिव है, लेकिन मुझे बताना नहीं था. शी इज मच टॉलर देन आई, इसमें मुझे क्या एक्सप्लेन करना है बताइए. शिवांगी जी आपके डाउट्स में शी इज मच टॉलर देन आई, एक ये वाला तो मुझे मिला. शिवांगी चली गई देखो मुंह बना के गुस्से में. ओके अभिजीत आई विल डेफिनेटली रिप्लाई. मैं तो ऑल डे फ्री रहता हूँ, 24 आवर्स फ्री फॉर स्टूडियस पर्सन. जो पढ़ना चाहते हैं उनके लिए मैं 24 घंटे फ्री हूँ. और किसी का कोई डाउट बचा है? Do you have any other doubt left? कोई और डाउट? अब कोई नहीं बोलेगा, मैं वेट कर रहा हूं 4-5 मिनट. बोलिए अगर कोई डाउट्स हैं तो, नहीं तो फिर क्लास को ख़त्म किया जाएगा. चलिए फिर, अगर आप लोगों के पास डाउट नहीं है तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जो मन कर रहा है वो करिए, मुझे कोई लेना देना नहीं है. अगर आज नहीं है, कल कोई डाउट आ जाए तो प्लीज़
मुझे आप अपना मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा, डाउट्स के लिए मैं कोई क्लास जरूर अरेंज कर दूंगा, अपने ही हाथ में है, सो नो वरीज, ठीक है। आप सबके डाउट्स जरूर लिए जाएंगे, किसी का कोई डाउट हो तो 25, 30, 50, 1000, 2000 जितने डाउट्स हैं सारे के सारे भेज दीजिएगा टेलीग्राम पे या व्हाट्सएप पे, जैसे भी आपका मन करता है। गुड नाइट, हैव फन, इंजॉय। ग्रामेटिकल पोर्शन में किसी का कुछ रह गया है तो वो भी बता देना। चलो अब जाओ सो जाओ, आनंद लो।